सुई से निर्मित बत्ती या क्वार्टर विक्स की बात करें तो इनका इस्तेमाल सामान्य तौर पर पूजा पाठ इत्यादि करते समय दीप जलाने हेतु किया जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे पूजा पाठ इत्यादि प्रक्रियाओं में भी वृद्धि देखी गई और रुई बत्ती यानी कि कॉटन विक्स का इस्तेमाल भी बढ़ता गया। इसलिए आज मीडिया ने महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया है कॉटन विक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर एक इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री। रॉ मटेरियल कॉटन, प्लांट एंड मशीनरी कॉटन विक मेकिंग मशीन। प्रोसेस, सबसे पहले कॉटन को दो पार्ट्स में तोड़ लिया जाता है, फिर इस कॉटन को ऊपर की तरफ पकड़ना है। अब आपको मशीन में रुई को अपने अंगूठे से ऊपर की तरफ स्लाइड करना होता है ताकि बत्तियों में फिनिशिंग आ सके। फिर उसको पैक करके बाजार में बेचने के लिए बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने कॉटन विक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत हो तो आप स्क्रीन पर दिए दोनों वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या नंबर पर संपर्क भी कर सकते हो। ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।